शिव रहस्य की बात है कि भगवान शंकर का विवाह सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष की पुत्री सती से हुआ। फिर जब वह यज्ञ कुंड में कूदकर भस्म हो गई, तब उन्होंने दूसरा जन्म लिया और हिमवान की पुत्री पार्वती कहलाई। कहते हैं कि गंगा, काली और उमा भी शिव की पत्नियां थीं, लेकिन वास्तव में भगवान शिव के साथ माता पार्वती जी का ही नाम लिया जाता है। भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह करने के बाद कार्तिकेय नाम का एक पुत्र प्राप्त किया। भगवान गणेश तो माता पार्वती के उपटन से बने थे। सुकेश नामक एक अनाथ बालक को शिव पार्वती ने पाला था। जलंधर शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। अयप्पा शिव और मोहिनी के संयोग से जन्मे थे। भूमा उनके ललाट के पसीने की बूंद से जन्मे थे। अंधक और खुजा नामक दो पुत्र और थे, जिसके बारे में ज्यादा उल्लेख नहीं मिलता है। शिवपुराण में भगवान शिव के परिवार का पूर्ण रूप से और विस्तार में उल्लेख मिलता है। शिव के प्रमुख सात शिष्य हैं, जिन्हें प्रारंभिक सप्तऋषि माना गया है। इन ऋषियों ने ही शिव के ज्ञान को संपूर्ण धरती पर प्रचारित किया, जिसके चलते भिन्न भिन्न धर्म और संस्कृतियों की उत्पत्ति हुई। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी। शिव के शिष्य हैं बृहस्पति, विशालाक्ष, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भारद्वाज। इसके अलावा आठवें गौर शिरस मुनि भी थे। शिव के शिष्यों में वशिष्ठ और अगस्त्य ऋषि का नाम भी लिया जाता है। बौद्ध साहित्य के मर्मज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान प्रोफेसर उपासक का मानना है कि शंकर ने ही बुद्ध के रूप में जन्म लिया था। उन्होंने पाली ग्रंथों में वर्णित 27 बुद्धों को उल्लेख करते हुए बताया कि इनमें बुद्ध के तीन नाम अति प्राचीन हैं, तड़ंकर, षडंकर और मेघंकर। कई पुराणों के अनुसार भगवान शंकर को शिव इसलिए कहते हैं कि वे निराकार शिव के समान हैं। निराकार शिव को शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। कई लोग शिव और शंकर को एक ही सत्ता के दो नाम बताते हैं। असल में दोनों की प्रतिमाएं अलग अलग आकृति की हैं। शंकर को हमेशा तपस्वी रूप में दिखाया जाता है। कई जगह तो शंकर तो शिवलिंग का ध्यान करते हुए दिखाया गया है। अतः शिव और शंकर दो अलग अलग सत्ताएं हैं। माना जाता है कि महेश यानी कि नंदी और महाकाल भगवान शंकर के द्वारपाल हैं। रुद्र देवता शंकर की पंचायत के सदस्य हैं। इस तरह से शिव के अलग अलग अस्तित्व बताए जाते हैं। भगवान शिव ने हर काल में लोगों को दर्शन दिए हैं। वे सतयुग में समुद्र मंथन के समय भी थे और त्रेता के राम के समय भी। द्वापर युग की महाभारत काल में भी शिव थे और कलिकाल में विक्रमादित्य के काल में भी शिव के दर्शन होने का उल्लेख मिलता है। भविष्य पुराणों के अनुसार राजा हर्षवर्धन को भगवान शिव ने मरुभूमि पर दर्शन दिए थे। कलयुग में भगवान शिव के दर्शन का उल्लेख भविष्य पुराण में बताया गया है, लेकिन कहीं भी इसका उल्लेख किया नहीं जाता है। भारत के असुर, दानव, राक्षस, गंधर्व, यक्ष,
आदिवासी और सभी वनवासियों के आराध्य देव शिव ही हैं। कहा जाता है कि शैव धर्म भारत के आदिवासियों का धर्म है। सभी दस नामी शाक्त, सिद्ध, दिगंबर, नाथ, लिंगायत, तमिल शैव, कालमुख शैव, कश्मीरी शैव, वीर शैव, नाग, लकुलीश, पाशुपात, कापालिक, कालदमन और महेश्वर सभी शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी, अग्निवंशी और नागवंशी भी शिव की ही परंपरा से ही माने जाते हैं।